हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है, वो भी टेलविन सीएसएस से, क्योंकि हमने टेलविन सीएसएस यूज ना किए हुए बहुत दिन हो गया था। ठीक है, हम सिर्फ बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल यूज करके अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना टेलविन सीएसएस से बनाया जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कार्ड बनाएंगे। अभी यहाँ पे तीन है, आप इसमें और ऐड कर सकते हो, ये कार्ड रेस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, टेलविन सीएसएस की मदद से हम इसे रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ रेस्पॉन्सिव करके, तो देखो मोबाइल की स्क्रीन पे ये कैसा दिखेगा। ठीक है, रेस्पॉन्सिव है ये, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके देखो, रेस्पॉन्सिव है ये, फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये नहीं कि टेलविन सीएसएस यूज किया तो रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल की स्क्रीन में भी ये रेस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना कोई देरी किए चलते हम अपने वीएस कोड में। ठीक है, तो पहले मैं इसे क्लोज कर दूं, तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लिया, आपको मैंने बता दिया है बॉयलर प्लेट कैसे लगाना है एक्सप्लेनेशन मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, टेलविन सीएसएस का मैंने सीडीएन कॉपी किया है। ठीक है, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीन इमेजेस है, ठीक है, जो कि मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको पता होगा कौन है, आपको ये भी पता होगा कौन है, ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कौन है। ठीक है, तो आपको तीनों इमेजेस पता है किस किस का है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बॉडी में हम क्या करेंगे, हम इसे बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, तो बीजी टेलविन सीएसएस का प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है आप ऑफिशियल साइट खोल लो, वहां से आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज कैसे लगाना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे बीजी हम क्या करेंगे, ग्रे करेंगे और इसे हम वैल्यू देंगे, मतलब जैसे ओपेसिटी सेट करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू देंगे, तो मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस डिप में हमारा सारा कुछ रहेगा, तो इसमें मैं क्लास दूंगा, पहले विड्थ में इसका कर दूंगा स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या होगा, मतलब जितना स्क्रीन है हमारा डेस्कटॉप का, जितना स्क्रीन है उसी हिसाब से ये क्या करेगा, विड्थ लेगा। ठीक है, जैसे कि हम सीएसएस में देते WV VW व्यू पॉइंट विड्थ, वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद हाइट भी हम क्या करेंगे, स्क्रीन दे देंगे। ठीक है, आप इसका विड्थ फुल भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप सेट करेंगे। After that, हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप में हम क्या करते थे डी फ्लेक्स लिखते थे, पर टेलविन सीएसएस में हम डायरेक्ट फ्लेक्स लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्टिफाई इवनली करेंगे। ठीक है, आपको स्पेलिंग सही से लिखना है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि टेलविन सीएसएस काम नहीं कर रहा है, नहीं, स्पेलिंग आप गलत मत लिखना, सही लिखना। ठीक है, इसके बाद हम आइटम सेंटर करेंगे, मतलब अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एस टू शिफ्ट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर मतलब जो इसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, वही चीज है। ठीक है, सीएसएस में जो प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस टू। अब हम आएंगे इसके अंदर वाले डिप में, जो हमारा कार्ड रहेगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, क्लास दूंगा और इसमें मैं बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर दूंगा, जो कि होगा व्हाइट। ठीक है, व्हाइट में आपको वैल्यू नहीं देना, आप दे सकते, बैकग्राउंड देने के बाद हम विड्थ इसे देंगे। ठीक है, विड्थ हम क्या करेंगे, इसे पिक्सल में देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम टेलविन सीएसएस का वैल्यू लगाए 96 तो वो अच्छा एक कार्ड का प्रॉपर साइज नहीं आता है विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेम पिक्सल में दे रहे हैं। ठीक है, और इसका हाइट मैं कर दूंगा 400 पिक्सल। ठीक है, विड्थ और हाइट मैंने दे दिया। आफ्टर दैट मैं इसे क्या करूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा, जो कि होगा राउंडेड LG, LG मतलब लार्ज। ठीक है, राउंडेड हाइपन LG। ठीक है, आप वैल्यू भी दे सकते हो पर मैं लार्ज स्मॉल ऐसे करके। उसके बाद मैं होवर लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो होवर है। ठीक है, होवर करने पे क्या हो रहा है, ये स्केल हो रहा है। ठीक है, मतलब जूम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, होवर लगाएंगे। ठीक है, अभी का पेज हमारा ये है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, होवर, उसके बाद कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन में दो डॉट आता है वो, आफ्टर दैट स्केल, और उसके बाद वैल्यू जितना देना है हमें, तो मैं 110 दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें ट्रांजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन ऑल, ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑल लिखते ही ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी लग जाएगा। अब ड्यूरेशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं इसे दे दूंगा 500। आफ्टर दैट मैं इसे मार्जिन वाई दे दूंगा, क्योंकि जब हम इसे रेस्पॉन्सिव करेंगे तो ऊपर नीचे से मार्जिन होना चाहिए, तो मार्जिन वाई मैं दे दूंगा 4। अराउंड कुछ रैम लगेगा। ठीक है, या ये आप टेलविन सीएसएस के ऑफिशियल साइट में देख सकते हो। ठीक है, कितना वैल्यू मतलब 4 देने पे कितना रैम लग रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसे बॉक्स शैडो दे देंगे। ठीक है, तो हम शैडो लिखेंगे। ठीक है, Shadow, और फिर हमें जितना देना है लार्ज मीडियम ऐसे करके, ठीक है, वो देना है तो LG। ठीक है, कंट्रोल एस टू
सेव। अब इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, कार्ट का आइटम जो हमारा डिव है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आईएमजी टैग खोलेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, इमेज जो कि है हमारा इमेज वन, ठीक है। और इससे भी मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ मैं कर दूंगा फुल, ताकि जितना जितना हमारा अभी जो डिव के अंदर ये इमेज है विड्थ रहेगा उसका पूरा विड्थ ये ले लेगा, ठीक है, फुल देने पे, ठीक है। विड्थ देने के बाद हम इसका हाइट सेट कर देंगे, जो कि मैं क्या करूंगा पिक्सल में सेट करूंगा, ठीक है। इसका हाइट में क्या करूंगा 200 पिक्सल करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा जो कि होगा टॉप से। तो मैं क्या करूंगा, ये बॉर्डर रेडियस कॉपी कर लेता हूँ जो ऊपर मैंने दिया है, एंड कंट्रोल वी, और एल जी से पहले मैं एक चीज ऐड करूंगा जो कि होगा टी, टी मतलब टॉप से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एच वन लिखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है। तो H1 टैग खोलेंगे, इसमें मैं क्लास दूंगा, ठीक है, अभी टैग्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं बाद में कॉपी करके पेस्ट करूँ। तो इसमें मैं फॉन्ट साइज सेट करूंगा जो कि होगा 3XL, ठीक है। हम ऐसे भी प्रॉपर्टी इसमें दे सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इससे पहले वाले मतलब मेरा कुछ वीडियो होंगे जिसमें मैंने टेलविन CSS यूज किया, जैसे फ्लिपकार्ट क्लोनिंग हुआ उसमें मैंने टेलविन CSS यूज किया है, ठीक है, उसमें हुआ। उसके बाद मैंने एक सिंपल कार्ड भी बनाया टेलविन CSS से, वो सब देख सकते हो। उसके बाद पैडिंग देंगे PY मतलब वाई एक्सिस में लगेगा पैडिंग 3, ठीक है। आप देख सकते हो कितना वैल्यू लगता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट फैमिली लगाएंगे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हमें क्या करना है, ये वाला फॉन्ट फैमिली लगा देना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टेक्स्ट लगाएंगे, तो वो मैं क्या करता हूँ बाद में लगाऊंगा टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी तीन कार्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पी टैग खोलेंगे जिसमें मैंने क्लास दे दिया है। अब हम इसका टेक्स्ट क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, क्योंकि इसका टेक्स्ट सेंटर में है, ठीक है। तो टेक्स्ट लेफ्ट, इतना से क्या होगा, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसे पैडिंग एक्स एक्सिस में दूंगा, ठीक है, और 4 दे दूंगा, पैडिंग एक्स एक्सिस में 4 दे दूंगा। आफ्टर दैट अब हम इसमें फॉन्ट साइज सेट करते हैं, जैसे टेक्स्ट -, मैं इसमें पिक्सल में सेट करूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं 12 पिक्सल फॉन्ट साइज कर देता हूं, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसका हम जो लेटर स्पेस होता है वो लगाएंगे। तो इसमें लेटर स्पेस लगाने के लिए हमें ट्रैकिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, ट्रैकिंग। आफ्टर दैट टाइट, टाइडर, वाइड, वाइडर, ऐसे करके प्रॉपर्टीज है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाइडर दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन हाइट, लाइन हाइट देने के लिए हमें लिखना पड़ता है लीडिंग, ठीक है, लीडिंग। उसके बाद आप वैल्यू दे सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 करके अपने हिसाब से, ठीक है। आफ्टर दैट हम फॉन्ट फैमिली लगा लेंगे, जो कि मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल एस टू सेव। तो हमारा कार्ड का डिजाइन रेडी है, ठीक है। हमने एक कार्ड बनाया, हम क्या करते हैं इसे कॉपी पेस्ट करके दो और ऐड कर लेंगे, ठीक है, दो और ऐड कर लेंगे। अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला डिव पे फ्लेक्स किया है उसमें मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा जो कि होगा फ्लेक्स रैप, उससे हमारा ये टेलविन CSS का कार्ड रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, चलते अपने पेज पे। तो देखो यहाँ पे अभी एक ही कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कार्ड, चलो इसे रेप्लीकेट करते हैं और तीन बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड का डिव है हम उसे कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और ठीक उसी के नीचे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हम क्या करेंगे, इमेज चेंज कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट लगा लेंगे, ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब आते हैं अपने पेज पे, तो देखो तीन कार्ड है, अब हमें क्या करना है, इसमें टेक्स्ट लगाना है और उसके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा अबाउट हमने उसके बारे में लिखा है, ठीक है, सुंदर पिचाई, इलोन मार्क्स, सेव कर लिया। अब आते हैं अपने पेज पे, ठीक है। तो देखो ये तो ये है हमारा, तो देखो कार्ड बन के रेडी हो गया, पर अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे मैं आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। बस एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है फ्लेक्स रैप, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी ऐड करने से हमारा कार्ड रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो रिस्पॉन्सिव हुआ गाइस। हमें क्या करना था, एक ही प्रॉपर्टी डालना था हमें, देखो रिस्पॉन्सिव है ये पूरा, यहाँ पे देखो ये देखो रिस्पॉन्सिव है, देखो रिस्पॉन्सिव है। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, ठीक है, टेलविन CSS की मदद से, ठीक है, पूरा टेलविन CSS हमने यूज किया है इस ये कार्ड बनाने में। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इमेज थोड़ा स्क्वीच हुआ है, ठीक है, तो वो आप इमेज चेंज कर देना, ठीक है। इन सबका विड्थ अलग है इमेज का, इसी की वजह से ये सुंदर पिचाई का इमेज थोड़ा स्पीच हो रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं।
तो देखो गाइस आप सबको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो हम टेलविन सीएसएस पे ही लेके आएंगे, पर उसमें हम क्या करेंगे एक प्रॉपर साइट बनाएंगे, ठीक है, होम पेज जैसा बोल सकते हो आप या पूरा बोल सकते हो, ठीक है, एक साइट बनाएंगे जो कि होगा फुल्ली टेलविन सीएसएस, ठीक है, और रेस्पॉन्सिव भी रहेगा, ये नहीं कि रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, रेस्पॉन्सिव भी रहेगा। तो मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।